नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में पीसीओडी पार्ट टू में। तो दोस्तों, आज पार्ट टू के मैं आप कौन कौन से आपको आसन करने हैं वो बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीधे बैठ जाएं। जानू शीर्षासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने सामने की ओर, राइट लेग को मोड़ें और जंघा मूल से सटा दें, ऐसे अपनी थाई से ऐसे मिला दें। इनहेल करें, ऊपर लाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब यहां से मिडिल और इंडेक्स फिंगर को ऐसे पकड़ते हुए अपने अंगूठे को अपनी ओर खींच लें। और आप, अगर आपका माथा घुटने से लगता है तो लगाएं, कोहनियों को आसन से लगाएं, अगर लगती है, नहीं लगती तो आप इसी पोजीशन में रुके रहिए। धीरे से दोनों भुजाएं सीधी लाते हुए धीरे से दाएं बाएं से वापस। यहीं से हम अब अपनी बाएं टांग को मोड़ेंगे, राइट थाई से लगा दें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर, इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे। अब यहीं से अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर से अपने अंगूठे को पकड़ते हुए खींचें अपनी ओर, कोहनी को आसन से और माथे को घुटने से आगे ले जाने का प्रयास करें। दोनों भुजाओं को तानते हुए धीरे से ऊपर, भुजा दाएं बाएं से वापस। योग मुद्रा लगाएं, राइट लेग को मोड़ें, थाइस के ऊपर रख लें, लेफ्ट लेग को मोड़ें, राइट थाइस के ऊपर। अगर ये वाला जो आसन है योग मुद्रा, ये पद्मासन लगाकर ही किया जाता है। अगर आपसे नहीं लगता तो आप आलती पालती या सुखासन में बैठकर भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से दोनों हाथों को, इसको ऐसे देखिए, आपको सही से दिखेगा, दोनों हाथों की कलाई ऐसे देखिए, राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को ऐसे पकड़ लें, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए राइट साइड झुकें, हाथों को भी खींच के रखें। धीरे से वापस पुनः इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की ओर। एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस। एक बार डीप ब्रीथिंग ले लें, फिर से इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए सामने की ओर। इनहेल करते हुए धीरे से वापस। यही सम दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे। यही सम करेंगे हस्त पाद उत्तानासन। अपने टांगों को उठाते हुए अपने हिप्स पर अपने शरीर को बैलेंस करें। धीरे धीरे वापस। इसको भी कम से कम 3 बार करें आप। श्वास भर के बैलेंस बनाना है आपने। धीरे से वापस।
यहीं से हम लेट जाएंगे, पेट के बल, पेट के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें और अपने माथे को उनके ऊपर रखकर एक बार डीप ब्रीथिंग लें। शलभासन, दोनों भुजाओं को नीचे की ओर लाते हुए दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे इस प्रकार रखें कि आपकी हथेलियां थाइस की ओर हों। पंजों को तान के रखें, इनहेल करें और धीरे धीरे अपने टांगों को ऊपर की ओर उठाएं और अपने चिन को आसन से लगा के रखें। बहुत ही सुंदर आसन है पीसीओडी के लिए। आपका लोअर बैली आपकी इसमें प्रभावित होती है। थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे इसको। कोशिश करें आपकी टांगे बिल्कुल सीधी हों। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे से वापस और दाएं करवट लेते हुए उठकर करेंगे आज का प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे अग्निसार क्रिया। कैसे करेंगे? पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं या ऐसे ऐसे बैठेंगे तो इसको सुखासन कहते हैं। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपने अपनी कमर को सीधा करना है। अग्निसार क्रिया, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें ऐसे। इसमें धीरे धीरे पहले श्वास को भरें, आप धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के पश्चात मूल बंध लगाएं, यानी मल द्वार का संकुचन, खींचें ऊपर को। अब यहां से नाभि को अंदर और बाहर करें, अंदर खींचें और बाहर करें। जब श्वासों में घुटन हो जाए तो धीरे से वापस आए। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करेंगे। मैं आपको एक एक बार बताऊंगी, लेकिन आपने इसको 5 बार करना है। जैसे बताया है ऐसे ही करना है। श्वास भरना है, बाहर निकालना है, फिर नाभि को अंदर बाहर करना है। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। फिर से दोनों हाथों को पलट कर घुटनों पर रख लें, लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और मूल बंध लगा लें। अब पुनः नासिका से बारंबार श्वास को बाहर फेंकते जाएं। ये मध्यम गति है। पीसीओडी के लिए बहुत ही लाभकारी इसे कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट करें। शुरू में इसका अभ्यास 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। बहुत ही फायदेमंद। अब यहां से मैं आपको पूरा 5 मिनट नहीं कराऊंगी, लेकिन आपने 5, 10 और 15 मिनट का अभ्यास आपने करना है। यहीं से हम पूरे श्वास को बाहर निकाल दें और तीनों बंद लगा लें। अपने एनस का एनस को खींचें, नाभि को अंदर की ओर खींचें, कंठ को नीचे की ओर दबा लें। तीनों बंद कपालभाति के बाद ये अगर हम ये बंद लगाते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। श्वास को रोक के रख लें, क्षमता अनुसार जितना रुकता है, नहीं रुके तो नाभि को ढीला छोड़ें, फिर गले को सीधा करके अपने मूल बंध को भी खोल लें। अब पुनः श्वास को भरें, फिर से तीनों बंद लगाएं एक बार और धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए वापस आ जाएं। दोस्तों बहुत ही लाभकारी है कपालभाति। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे,
उज्जाई प्राणायाम, जीभा को मोड़े पतालू से लगा लें, श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए मूल बंद लगा लें एक बार। उसके बाद श्वास को लेते और छोड़ते समय मधुर खर्राटों की आवाज कंठ से निकालें। शुरू शुरू में आवाज नहीं आती है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आवाज आने लगेगी। बहुत ही लाभकारी उज्जाई प्राणायाम। धीरे धीरे वापिस आए। दोस्तों अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो पीसीओडी के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि और हमारी डिम्ब ग्रंथि प्रभावित होती है, जो हमें कंसीव करने में बहुत ही हेल्प करती है। पीरियड्स में जो हमें परेशानी होती है, हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उनको भी ये ठीक करती है। तो चलिए करेंगे। देखिए, दो अंगूठे कानों में, दो उंगलियां आँखों के ऊपर, दो मुंह और नाक के बीच में, लंबा गहरा श्वास भरें और नासिका से भौरे का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं। कम से कम 10 आवृत्तियां करें इसकी। जब पूरा श्वास बाहर निकल जाए तो पुनः श्वास को भरें और फिर से भौरे का गुंजन करें। इसकी जो वाइब्रेशन होती है हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। दोस्तों मैं इसका अभ्यास 3 बार करा रही हूँ, लेकिन आपने कम से कम 10 बार करना है। हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे धीरे शांत होकर वापस आ जाएं। कुछ क्षण आंखें बंद करके इसको महसूस करें, मस्तिष्क पर इसके आए हुए प्रभाव को देखें। अपने आप को बहुत ही हेल्दी महसूस करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।